हेलो फ्रेंड, कैसे हो लोग। मैं हूं गौरव कुमार गुप्ता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी फ्री में वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। अब हो सकता है आपका बिजनेस हो तो आप अपने बिजनेस के लिए एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, आपका कोई स्टोर हो तो आप ई कॉमर्स जैसी आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, या फिर आपका कोई यूट्यूब चैनल है और आप अपने एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं जिस पे आप आर्टिकल शेयर करेंगे। तो किसी भी तरीके की आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी फ्री वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप अगले आने वाले 10 मिनट के अंदर आप अपनी खुद की वेबसाइट बना पाएंगे और उसे लाइव कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जैसे कि आपको भी पता है कि जब भी आप वेबसाइट बनाते हैं तो आपको 2000 या 3000 जो भी लगते हैं, जैसे कि अगर आप डोमेन लेते हैं तो आपको 400-500 रुपए की डोमेन नेम लेना पड़ता है। इसके बाद आपको होस्टिंग खरीदनी पड़ती है, 100-200 रुपए महीने भी मिलती है बहुत सारी होस्टिंग। तो ऐसे में जैसे मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी फ्री में वेबसाइट कैसे बना सकते हैं जहां पे आपको डोमेन नेम भी फ्री में मिलेगा, होस्टिंग भी फ्री मिलेगी। तो अगर कोई देता है फ्री में तो उसको क्या फायदा है? तो मैं आपको बताऊं कि यहां पे उसका थोड़ी सी फायदा होता है। फायदा क्या होता है कि जब भी उसके आप कंट्रोल पैनल में जाते हैं या डैशबोर्ड के अंदर जाते हैं तो आपको कुछ थोड़ी बहुत एड शो होते हैं, तो वहाँ पे एडसेंस से वो कमाई कर लेता है, इसलिए वो आपको देता है। साथ ही आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ नहीं मिलती, छोटी मोटी आप वेबसाइट बना सकते हैं। जैसे आप अभी, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग पे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको स्टार्टिंग में पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप वेबसाइट बनाओ खुद का और उसमें कुछ सीखो। और हाँ, ये चीज़ है कि आप यहाँ पे भी उसे लाइव ला सकते हैं और यहाँ पे आप काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है, अब हमारा बिजनेस अच्छा चलने लगा, तो इसके बाद आप अपना फ्री में वेबसाइट जो है उसको आप मतलब कमर्शियल कर लीजिएगा और एक अच्छा सा डोमेन नेम खरीद लीजिएगा, जो भी आपको चाहिए .com, .in, तो उस तरीके का आप एक डोमेन नेम खरीद लीजिएगा। और ये जो आपने वेबसाइट यहाँ पे बनाई है इसका बैकअप लेके आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना फ्री में वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि फ्री में जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो इस वेबसाइट को भी थोड़ी बहुत फायदा होता है, इसलिए ये यहाँ पे एक आपको छोटा सा स्पेस दे देते हैं जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट रन कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं गूगल क्रोम में और ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे आप लैपटॉप पे आ जाइए और लैपटॉप पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अपनी खुद की वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे मैं अपने गूगल क्रोम में आ गया हूँ और गूगल क्रोम में आपको सर्च करना है फ्री वेबसाइट। सिंपल सा आपको सर्च करना है फ्री वेबसाइट। तो यहाँ पे देखिए, आपको ऐसी बहुत सारी सैकड़ों वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ पे आप फ्री वेबसाइट बना सकते हैं और ये आपको देते हैं स्पेस। लेकिन मैं आपको ले जाऊँगा एक ऐसी वेबसाइट में जहाँ पे आप लाइव टर्म तक चला सकते हैं। कई बार कुछ ऐसी वेबसाइटें हैं जहाँ पे आप वेबसाइट बना लेते हो फ्री में, लेकिन वहाँ पे जो आपकी वेबसाइट है सही ढंग से काम नहीं करती। तो आपको फ्री वेबसाइट सर्च करना है और इसके बाद आपको नीचे जाना है। हो सकता है आपको तीसरे नंबर मिल जाए, चौथे नंबर मिल जाए, या तो आपको नीचे जाना है www.website.com, या फिर आप इस चीज को यहाँ पे डायरेक्टली से भी सर्च कर सकते हैं www.website.com। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप देख लीजिए, इनका साइनअप का प्रोसेस यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको मतलब आपको पैसे वाले प्लान भी मिलेंगे। अगर आप पैसे वाले प्लान लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं बात करने वाला हूँ फ्री में और मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे पैसे वेस्ट ना करें। और अगर आपको जब प्रीमियम प्लान लेना ही होगा तो आप किसी अच्छी वेबसाइट में जाइए, जैसे गोडेडी में गए तो वहाँ पे डोमेन ले लिए, होस्टिंगर से आप होस्टिंग ले लीजिएगा तो वहाँ पे उनकी जो होस्टिंग है वो बहुत बेहतर है। लेकिन फिलहाल जैसे हमको फ्री में बनाना है और अभी सीखना है, आप यहाँ पे आओ, वेबसाइट अपना खुद का बनाओ और सीखो सबसे पहले। अगर आपको लगता है कि हाँ आप बहुत अच्छे अब हो गए हो, आपकी वेबसाइट अच्छी काम करने लगी है, आपका जो बिजनेस है अच्छा रन करने लगा है, तो फिर आप एक अच्छा डोमेन का नेम खरीद लेना और वहां पे काम करना शुरू करना। तो यहां पे आप देखिए, आप जैसे नीचे आते हैं तो यहां पे देखिए आपको स्टार्ट फॉर फ्री आपको ऑप्शन मिलता है, आप इसको क्लिक कर दीजिए। इसको क्लिक करने के बाद आपको यहां पे साइन अप करना होगा। यहां पे देखो ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपको नीचे जाना है और यहाँ पे कई सारे इसके प्लान है, $3, $5, $10, तो आपको फ्री वाले में सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं फ्री वाले में सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको साइनअप करना है। चलो मैं अपना नाम डाल देता हूँ जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे मैंने अपना फर्स्ट नेम डाल दिया, लास्ट नेम डाल दिया, ईमेल आईडी डाल दी, यूजर नेम डाल दिया और यहाँ पे पासवर्ड। तो पासवर्ड और यूजर नेम आप याद रखना, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना यूजर नेम डाल दिया और अपना पासवर्ड डाल दिया। यहाँ पे नीचे आता हूँ तो यहाँ पे मैं साइनअप पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम साइनअप कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सबमिटिंग रिक्वेस्ट प्लीज वेट। तो यहाँ पे हमको एक मेल इसके तरफ से भेजा जाएगा और उसे हमें यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पे जैसे ये इन्होंने भेज दिया है हमारे पास कि
आपका ऑलमोस्ट देयर चेक ईमेल टू एक्टिवेट। तो हम ईमेल आईडी पे आते हैं और चेक करते हैं कि भैया हमारा जो हमारे पास कोई ईमेल आया है, तो हम यहाँ पे अपना जीमेल आईडी ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास मेल आ गया, थोड़ी सी लेट आया है, मतलब 5 मिनट का टाइम लग गया पता नहीं क्यों, और हो सकता है आपके पास तुरंत भी आ जाए, तो मेरे पास थोड़ी सी टाइम लग गया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया है मेरे पास और इस लिंक को मुझे क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं इस लिंक को क्लिक करूंगा यहाँ पे मेरा जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मुझे चेक करना होगा, इसकी जो टर्म एंड कंडीशन है उसे एग्री करना होगा और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो हमारी वेबसाइट है वो एक्टिवेट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो एक सबसे बड़ी चीज कि जब भी आप कोई अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो उसका एक प्रॉपर डोमेन नेम होता है जो भी आपका पसंदीदा होता है। जैसे मेरी वेबसाइट है gaurav.com, तो आप भी अपना .com/.in वेबसाइट ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपने फ्री वेबसाइट बनाई है तो यहाँ पे आपका कोई .com या .in नहीं होगा। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि क्या आपको मिला है। तो यहाँ पे स्टार्ट हियर इस पे क्लिक करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप प्रीव्यू पे क्लिक करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी वेबसाइट कुछ ऐसी देखने को मिलेगी, लेकिन हम यहाँ पे कुछ अभी एडिटिंग करना चाहेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। आप यहाँ पे अपने वेबसाइट का लोगो बना सकते हैं, अगर आपका कोई स्टोर है तो स्टोर आप बना सकते हैं, थीम भी यहाँ पे बदल सकते हैं, वो सारी चीज़ें अभी आपको दिखाऊंगा मैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं लोगो पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको क्लिक करना है डबल, तो डबल क्लिक मैं यहाँ पे कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए लोगो का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पे मैं अपलोड एंड चेंजेस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो भी मेरा है तो वो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। मैं फिलहाल अपने YouTube चैनल का जो लोगो है वही मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे देखिए मेरी जो फोटो है YouTube चैनल का लोगो है वो यहाँ पे लग गया है। तो ये देखिए ये लग गया है। बाकी यहाँ पे गौरव कुमार गुप्ता लिखा है, तो यहाँ पे अगर आप चाहें जो भी चाहें वो बदल सकते हैं, मैं यहाँ पे यही रहने देता हूँ। अगर आप बदलना चाहें तो इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे बदल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप जो मेन्यू सेक्शन है इसमें भी आप जो चाहें वो बदल सकते हैं। बाकी नीचे आइए यहाँ पे देख लीजिए मेक इट स्टैंड, तो यहाँ पे अगर आप इसकी हेडिंग बदलना चाहें तो इस पर डबल क्लिक करिए, तो या तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं या फिर यहाँ पे भी आप जाके चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको डबल क्लिक करता हूं और यहां पे मैं लिख देता हूं, तो ये हमारा जो हेडिंग है वो मैंने डाल दिया। यहां पे आप कुछ और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, फिर यहां पे चेंजेस कर लीजिए। अगर आप इस इमेज को चेंज करना चाहते हैं तो यहां पे क्लिक करिए डबल और यहां पे देखिए आपको इमेज भी चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहां पे आप चाहें तो इमेज भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं कुछ ऐसा लगा देता हूं, वैसे ये अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ सिखा रहा हूं आपको। तो आप इस तरीके से यहां पे अपनी इमेज भी जो चाहें वो सब कुछ बदल सकते हैं। तो यहां पे देखिए कुछ इमेज इस तरीके का लग गया है, अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन ठीक है, आप जब भी ये वेबसाइट बनाना तो फिलहाल आपको सीखना है और यहां पे मैं आपको सिर्फ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर जैसे यहाँ पे देख लीजिए सोशल मीडिया के लिंक आपको चेंज करना है तो यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है या फिर एडिट पे डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे देखिए तो आप इनके जो लिंक है वो भी आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे जाके जो भी आपका लिंक है उसको क्लिक कर एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने फेसबुक का लिंक दे दीजिए, जैसे मैं दे देता हूँ हेलो मिस्टर गौरव, मेरा ये यूजर नेम है, फेसबुक का भी है और इंस्टाग्राम का भी है, तो प्लीज़ आप जाके मुझे फॉलो कर लेना, और ये ट्विटर का भी है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ मैंने कॉपी पेस्ट मार दिया और यहाँ पे मैं सेव एंड पब्लिश कर दूंगा। तो हमारा जो वेबसाइट के अंदर जो ये फेसबुक के साथ फेसबुक ट्विटर और इंस्टा का जो लिंक था वो भी यहाँ पे सेव हो गया है। अब चाहें तो आप यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे पब्लिश कर देंगे तो आपकी जो वेबसाइट है वो पब्लिश हो जाएगी जो भी आपने यहाँ पे चेंजेस करे हैं। अब मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जब आप आएंगे तो वैसे ही इतना आसान है, क्योंकि अगर आप आज मोबाइल चलाना सीख गए हैं, डिजिटल इतनी सारी चीज़ें हो गई है, तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप ये सारी चीज़ें सीख जाएंगे। जब मैंने पब्लिश किया तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक डोमेन दिख रहा है, आप विजिट योर साइट पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी साइट पर आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए मेरा जो डोमेन नेम है gaurav.gupta1.website3.me, तो ये मुझे मिला है और ये कोई प्रोफेशनल डोमेन नहीं है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट है वो बिल्कुल फ्री है इसलिए यहाँ पे मुझे ये डोमेन मिला है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, और अगर इस लिंक पे मैं क्लिक करूँ तो डायरेक्टली अपने फेसबुक पेज में पहुँच जाऊँगा, इंस्टाग्राम पेज पे पहुँच जाऊँगा और ट्विटर पे पहुँच जाऊँगा जैसे मैंने चेंजेस करे थे। और यहाँ पे नीचे भी आपको ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो यहाँ पे देखिए जैसे कोई इंस्टाग्राम पे क्लिक करेगा तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे पहुँच जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, देखिए ये मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आप पहुँच गए। तो यहाँ पे आपको इस तरीके की चीज़ें मिल जाती हैं और आपको जो भी लगे कि मुझे यहाँ पे चेंज करना है, ये सारी चीज़ें चेंज करनी है। अब जैसे नीचे मैंने लोगो अभी चेंज नहीं किया था, ऊपर मैंने किया था, देखो ऊपर लोगो दिख रहा है लेकिन नीचे लोगो मुझे नहीं दिख रहा है। तो मैं चाहूँ तो नीचे भी लोगो चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आता हूँ और इसको मैं अभी कट करता हूँ और
अगर मैं नीचे जाऊं तो नीचे भी मुझे लोगो का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए। तो अपलोड एंड चेंजेस पे जाता हूँ और यही लोगो मैं उठा के अपलोड कर देता हूँ। और जैसे देखें तो यहाँ पे अपलोड हो गया है इमेज, और अपलोड करने के बाद यहाँ पे जैसे मैं पब्लिश करूँगा, जैसे ये पब्लिश पे मैंने क्लिक कर दिया, और जैसे ही पब्लिश करता हूँ और अपनी वेबसाइट पर जाता हूँ और रिफ्रेश करूँगा, तो आप देखेंगे लोगो अपलोड हो गया। ये देखो पब्लिश हो गया। तो यहाँ पर मैंने फुटर पर यहाँ पर लगाया था, तो देखिए यहाँ पर लोगो सेट हो गया है। अभी यहाँ पर बॉर्डर भी है, आप चाहें तो इसे पूरा अपने तरीके से जो भी आप अच्छा बनाएं तो उसे लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, मैं एक दूसरा भी बनाया हूं तो मैं उसको अपलोड कर देता हूं। अब यहां पे मैं आके इसे रिफ्रेश करता हूं और देखता हूं कि क्या हमारा लोगो चेंज हुआ। तो यहां पे देखिए बहुत बेहतरीन दिख रहा है। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, और ये बहुत ही आसान है। जब आप यहां पे आएंगे कस्टमाइज करेंगे, धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। मतलब कोई बहुत मुश्किल गेम नहीं है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे आप सर्विसेज चेंज कर सकते हैं, गैलरी में चेंज कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट अगर आप चाहते हैं कि आप अपना प्रोडक्ट कैसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर देना, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो आई होप दोस्तों यहाँ पे जो मैंने आपको सारी जानकारी दी है तो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज आप इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, और मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल है या सुझाव है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।